आदमी सप्ताह पिछता है प्रभाव हो जाता है। मैं डॉक्टर संदीप कुमार सोनी, हड्डी रोग विशेषज्ञ सिविल हॉस्पिटल पलवल से। आज हमने यहाँ पे हड्डी रोग के लगभग 124 मरीज़ देखे हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के मरीज़ थे, जैसे घुटनों के दर्द, कमर दर्द, जोड़ों के दर्द, कोई दो तीन से चार पेशेंट फ्रैक्चर के भी यहाँ पे देखे थे, जिनको हमारी तरफ से यहाँ पे उनको मरीजों को फ्री परामर्श और उसके बाद दवाइयाँ दी गई। क्या एज ग्रुप रहा होगा पेशेंट्स का? जो ज़्यादातर जो एज ग्रुप था वो 50-70 ईयर का था ज़्यादातर जो पेशेंट थे, क्योंकि जो हड्डियों के जो पेशेंट रहते हैं वो इसी एज ग्रुप में ज़्यादा आते हैं। जो जोड़ों का जो आप बता रहे हैं पेशेंट देखे हैं, हाँ, तो इसमें क्या क्या दवाइयाँ दी गई हैं? जो दर्द की दवाइयाँ दी गई, हाँ, इनमें दर्द की, कैल्शियम, विटामिन डी और दूसरे विटामिन की जो है दवाइयाँ वो दी गई हैं। क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि जिससे जोड़ों का दर्द कम हो या हो ही ना? देखिए, क्या है कि जो जोड़ों का जो दर्द है, एक जो एज ग्रुप के बाद में हमारी जो हड्डियाँ हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है, जैसे फीमेल्स में आफ्टर 45 और मेल्स में 50 ईयर के बाद ऑटोमेटिकली जो हड्डियों से जो कैल्शियम है वो बॉडी खींचने लग जाती है, तो उसको रोकने के लिए हमें कैल्शियम जो है वो टैबलेट के रूप में, थोड़ा सा अपने जो डाइट है उस पर हमें फोकस करना चाहिए, जैसे दूध, दही, छाछ, अंडे और नॉन वेज अगर कोई आदमी लेता है तो ले सकता है, ये भरपूर मात्रा में लेना चाहिए। अब पानी का तो देखिए ऐसा है कि हमारा ये तो पूरी ज़िंदगी भर के लिए वो है, पानी तो हमें खूब पीना चाहिए। क्या बताएंगे, कैंप लगा आपके? देखो जी, ये करुणामयी संस्था द्वारा ये कैंप लगाने का पता चला था, इससे पहले भी ये कई कैंप लगा चुके हैं रेणु छाबड़ा और मनोज छाबड़ा, और बहुत अच्छा काम है जी। मैं तो इसको सबसे अच्छा काम समझता हूँ, जब दीन दुखी की, किसी की गरीब की और किसी की बीमार की जब कुछ सेवा हो जाए, उसको दवाई मिल जाए, उसकी हेल्प हो जाए, इससे बड़ा अच्छा क्या काम होगा। मतलब आपकी संस्था करोड़ों में आज कैंप लगाया जी, क्या कहेंगे आप? कैंप लगाया है हड्डियों की जांच और मुफ्त दवाई और सारा कुछ, लगभग 115 लोगों ने जांच कराई है, बहुत अच्छा काम है, लोग तारीफ कर रहे हैं काम की। ये आखिर तक कैंप लगने खत्म होने के बाद पेशेंट आते रहे, क्या वजह रही है? ये ऐसा है जी, आ रहे हैं जा रहे हैं, टाइम था 10 से 2 बजे तक का टाइम था, आ रहे हैं अभी थोड़े से, लेकिन ज़्यादातर तो देख ही लिए, जो लेट पता लगी है तो वो लेट आए हैं थोड़ा सा, ये है। आगे भी कैंप लगाते रहेंगे? हाँ बिल्कुल, चलता रहेगा जी, सामाजिक सेवा के कार्य चल जारी रहेंगे, कैंप लगाते रहेंगे ऐसे ही। कि आज कैंप में आए आप, क्या आप जी बोलना तो क्या क्या महसूस कर रहे हैं आप? मैं पहले तो आपको ये बताना चाहूँगा, मैं करुणामयी संस्था से जुड़ा हुआ हूँ काफ़ी दिनों से, और करुणामयी संस्था लगातार अच्छे कार्यों में सम्मिलित रहती है। इन्होंने आज से 15 दिन पहले भी कैंप लाइब्रेरी में अपना आँखों का, दांतों का, बीपी का और सारा ही चेकअप थे, मोस्टली जो डेली रूटीन में आते हैं एवल हॉस्पिटल के माध्यम से थे सारे। और आज हमारी करुणामयी संस्था ने दोबारा पलवल सरकारी हॉस्पिटल के माध्यम से अपना हड्डी के जोड़ों के लिए जितने भी अपने घुटने की हड्डी हो, जोड़ हो, या जो भी हड्डी योग हैं उनके लिए कैंप लगाया है, जिसमें लगभग 135 लोगों ने जांच कराई है, सबको दवाई दी गई है सबको, और ज़्यादा बड़ी बीमारी होगी तो उन्हें सरकारी अस्पताल में बुलाया गया है। कैंप लगाया आज, कैंप लगाया क्या? देखिए, हमारा प्रयास रहता है जो ज़रूरतमंद हैं, जिस प्रकार से बहुत बुज़ुर्ग लोग हैं,
हमारी संस्था करुणामयी संस्था का प्रयास रहता है कि उनको जो चिकित्सा सुविधा है या किसी भी प्रकार की मदद है उनको घर बैठे बैठे चिकित्सा सुविधा मिले, हर प्रकार की मदद मिले जिसको ज़रूरत है। कहने का मतलब है कि जो वास्तविक सेवा वो होनी चाहिए। इस श्रृंखला में आज हमने हड्डियों के रोगों की जांच का कैंप लगवाया है सरकारी अस्पताल के सहयोग से, जिसमें सभी प्रकार की जांच भी निःशुल्क हुई है और दवाइयों का वितरण भी निःशुल्क हुआ है। कितने पेशेंट, कितने लोगों ने जांच कराई है? 124 तो रजिस्टर्ड हो गए हैं, उसके बाद भी लोग आते रहे हैं, लगभग 150 लोगों के जांच हुई है आज। इस प्रकार के कैंप और भी लगाएंगे किसी और अन्य भी? हाँ जी सर, 15 दिन पहले हमने एवल हॉस्पिटल के सहयोग से आंखों का कैंप लगवाया था, जिसमें 180 लोगों ने अपने आंखों की जांच कराई, जिसमें से 40 लोगों के आंखों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन निःशुल्क हुए हैं। और अब अगला कैंप हमारा है कैंसर पर आधारित। कैंसर